विनेश फोगट मामले में पेंडी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा व आम आदमी पार्टी की रोहिलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष ने किया खेद प्रकट। कई रेसलर फोगट मामले में बैठे धरने पर केंद्रीय मंत्री की बर्खास्त करने की सरकार से मांग। विनेश फोगट मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जनता और रेसलर लगातार केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। आज इसी मामले को लेकर परिणजय सामाजिक संस्था की अध्यक्षा व एडवोकेट सुनीता गंगवार व आम आदमी पार्टी की रोहिलखंड प्रांत के उपाध्यक्ष ने भी अपना खेद प्रकट किया। एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा, जितने भी अफसर हैं अपनी ईमानदारी से काम करें, क्योंकि वह अपनी काबिलियत पर अधिकारी बने हैं। आपको पीड़ित परिवार का साथ देना होगा। क्या कुछ कहा, आज ही सुनते हैं पूरी बात, उन्हीं की जुबानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की यह खास रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस बुलाइए, क्या मामला है, किस वजह से बुलाइए? देखिए, जो दिल्ली में एक धरना चल रहा है जंतर मंतर पर, जहां पर हमारे देश की वो बेटियां बैठी हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, रेसलर हैं वो, रेसलिंग की खिलाड़ी हैं वो, बेटियां आज क्यों बैठी हैं, ये विषय सुनकर पूरी सरकार को शर्म से झुक जाना चाहिए, क्योंकि उन बेटियों के साथ बीजेपी के सांसद और बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन बेटियों के साथ जो यौन शोषण जैसी घटनाएं कारित कर रहे हैं, जब सरकार में बैठे लोग ये कृत्य करेंगे तो इस देश की बेटियों को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? पहले ये सवाल मेरा है, सरकार इसका उत्तर दे, क्योंकि एक सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने देश की बेटियों, अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा देना। सुरक्षा देने के बजाय उनको, उनके साथ ये कृत्य किए जा रहे हैं। आज वो बेटियां आवाज उठा रही हैं, आज वो बेटियां, डरी सहमी बेटियों के अंदर से वो आज आवाज निकली है। कब तक ये चुप्पी साधे हमारे देश की बेटियां बैठी रहेंगी? आज पूरे देश की बेटियां थूकती हैं ऐसी सरकार पर और ऐसी सरकार के लोगों पर जो सुरक्षा देने के नाम पर उनके साथ घिनौने कृत्य कर रहे हैं। मैं प्रशासन में बैठे हुए इस देश की न्यायपालिका से ये कहना चाहती हूँ, प्रशासन में बैठे हुए लोग भी किसी न किसी के बेटे हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनकी भी बहनें हैं। आपको ऐसे नेताओं के साथ में अपनी कानूनी कार्यवाही में पूरी तरह से निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए उन बेटियों को न्याय देना चाहिए। मैं इस देश की न्यायपालिका से कहना चाहती हूँ, जिसे लोकतंत्र की रक्षा का भार है सर्वोच्च न्यायालय पर, अगर लोकतंत्र में ये होता रहा और बेटियों को न्याय नहीं मिला तो हम इस न्यायपालिका से फिर कैसे उम्मीद कर पाएंगे? सबको निडर होकर सरकार से डरना नहीं चाहिए। हम सरकार की अगर नौकरी कर रहे हैं तो सरकार की नौकरी अपनी काबिलियत के आधार पे आप कर रहे हैं, अपनी मेहनत के आधार पे कर रहे हैं, देश के लिए आप काम कर रहे हैं, तो सरकार की तानाशाही के खिलाफ प्रशासन को भी उठना चाहिए और देश में हो रहे इस अत्याचार को रोकना चाहिए अपनी कार्यवाहियों से। मेरी यही अपील है उन देश के प्रशासनिक अधिकारियों से, क्योंकि आप गुलाम नहीं हैं, आप किसी और देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं। डर निकाल कर, पैसे का लालच छोड़कर एक न्यायिक कार्यवाही में सबको लग जाना चाहिए और इन बेटियों को इंसाफ देना चाहिए, जिससे कि देश की हर बेटी सुरक्षित हो सके। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी इसी भारत की बेटी हूँ, ये सुनकर आज बहुत दुख होता है। कल हो सकता है कहीं मेरी बेटी भी ना शिकार हो जाए, इसलिए हर माँ को, हर बेटी को इसमें आगे बढ़कर इसका विरोध करना चाहिए और सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए, अगर सरकार अपने आप को सरकार कहती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे नेता मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।